ऐसा मामला अनूपपुर का है, जहां ग्राम सरवाही में बने हाई स्कूल बालक का आदिवासी छात्रावास जो कि 1,33,56,000 की लागत से बनाकर तैयार किया, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि हॉस्टल को बने कुछ महीने ही हुए कि दीवारों में दरारें पड़ गईं, जगह जगह टाइल्स टूटी दिखाई पड़ रही है। बारिश के दिनों में छतों से पानी झरना बंद कर बहने लगा है। ऐसे में मजबूरन कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि जिम्मेदारों की सह पर यहां बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। आपको बता दें 1,33,56,000 की बिल्डिंग को रंगा चंगा कर शिक्षक को सुपुर्द कर दिया गया, पर शिक्षक ने सही निर्णय लेते हुए इस निर्माणाधीन भवन को लेने से मना कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि करोड़ों की लागत से बना भवन जो बिना बने ही ढहने के कगार पर पहुंच रहा है। छत सीपेज है सर जी, और कुछ इसमें सामग्री नहीं लगे हैं, जैसे पंखे हैं जी, बल्ब है। इससे स्पष्ट होता है सर कि वो जो ठेकेदार हैं ये वो पूरी ईमानदारी के साथ काम नहीं किया। हो गया सर, बीच बीच में 1 माह 15 दिन में ऐसे आते थे और हो गया चले जाते। प्रेजेंट टाइम में कितने बच्चे वहाँ पे? प्रेजेंट टाइम मेरा सर 42 बच्चे हैं। और जो आप बता रहे हैं संज्ञान में कुछ कमियां हम मैं रुचि कर दूँ, मैं आपके द्वारा संज्ञान में मेरे पास आज मिला जानकारी, मैं आज रुचि करता हूँ, मैं दिखा लेता हूँ।